सोलन का दमकल विभाग बेहद परेशान है। उनकी परेशानी की वजह फेक कॉल है, जो एक सप्ताह में एक दो बार शरारती तत्वों द्वारा की जाती है। कॉल आने पर दमकल विभाग को मौके पर पहुंचना पड़ता है, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचते हैं तो वहां आग नहीं होती है। जिस नंबर से कॉल आती है वो बंद पाया जाता है, जिसकी वजह से विभाग का कीमती वक्त जाया हो रहा है, साथ ही ईंधन का भी खर्च होता है। सोलन का दमकल विभाग बेहद परेशान है। उनकी परेशानी की वजह फेक कॉल है, जो कि एक सप्ताह में एक दो बार शरारती तत्व कर ही देते हैं। कॉल आने के बाद दमकल विभाग को मौके पर पहुंचना ही पड़ता है, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचते हैं तो वहां आग नहीं लगी होती है। जिस नंबर से कॉल आई होती है वह नंबर बंद पाया जाता है, जिसकी वजह से विभाग का कीमती वक्त तो जाया होता ही है, साथ ही में ईंधन का भी खर्चा हो जाता है। दमकल विभाग के अधिकारी आर फाक्टा ने शहरवासियों से अपील की है कि वह दमकल विभाग में फेक कॉल ना करें, क्योंकि फेक कॉल करने पर भी उन्हें मौके पर जाना पड़ता है। उन्होंने शहरवासियों से ये भी आग्रह किया है कि अगर वह कहीं भी धुआं उठता देखते हैं तो वह तुरंत दमकल विभाग को फोन कर सकते हैं। जैसे कि फायर सीजन शुरू हो गया है, गर्मी का मौसम है, लोग जो है अक्सर गलत कॉल कर देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फायर सर्विस फ्रॉड कॉल पे चले जाएगी और पीछे किसी का घर में आग लगी तो हम उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी फ्रॉड कॉल ना करे। अगर कहीं छोटी मोटी आग लगती है तो उसको अपने आप बुझाने की कोशिश करे। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है तभी फायर को कॉल करे, अन्यथा कॉल ना करे। आजकल के सीज़न में तो बहुत कॉल फेक कॉल आती है, पर अगर साल की वो कैलकुलेशन करे तो लगभग 40-50 कॉल तो आई जाती है। लोग अक्सर दूर से धुआं देखते हैं और फायर को कॉल कर देके भी वहां आग लगी है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे कोई भी आग नहीं होती है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।